तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कूलर, वाटर पंप और स्विंग मोटर का कनेक्शन मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच के साथ करना बताएंगे। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच होता है, इससे फ्रेंड जो हमारा वाटर पंप होता है ये अलग चलता है और स्विंग मोटर भी अलग चलता है, और फिर इसी रोटरी स्विच से दोनों मोटर एक साथ चलता है। जैसे फ्रेंड मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये रोटरी स्विच है, इसको जब हम एक बार घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा स्विंग मोटर पहले चालू हो गया है, अभी वाटर पंप नहीं चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड जब इसको हम दोबारा घुमा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा वाटर पंप और मोटर दोनों एक साथ चल रहा है। और वही फ्रेंड देखिए, फिर जब हम रोटरी स्विच को घुमा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा स्विंग मोटर बंद हो गया, यहाँ पे ओनली वाटर पंप चल रहा है। और फिर जब रोटरी स्विच को घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा मोटर ऑफ हो गया है। फ्रेंड्स बहुत सारे कूलर में क्या होता है, हमारा इस टाइप का मल्टी फंक्शन रोटरी स्विच लगा होता है, जहाँ पे हमारा एक ही स्विच से कूलर का वाटर पंप और स्विंग मोटर दोनों अलग अलग चलता है और एक साथ भी चलता है। तो फ्रेंड्स आप अपने कूलर के अंदर मल्टी फंक्शन रोटरी स्विच में वाटर पंप और स्विंग मोटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, कैसे इस रोटरी स्विच का कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो हमारा वाटर पंप है, इस वाटर पंप से दो वायर बाहर निकल रहा है। वहीं फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये स्विंग मोटर है, इस स्विंग मोटर से भी दो वायर बाहर निकल रहा है। फ्रेंड देखिए, इन दोनों मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे दो वायर यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके कूलर के वाटर पंप का और स्विंग मोटर का वायर का कलर अलग है तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पे जैसे कनेक्शन बताऊंगा वैसे ही आपको उस वायर का भी कनेक्शन कर लेना है। वहीं फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच में यहाँ पे तीन पॉइंट दिया हुआ है। इस रोटरी स्विच पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है, यहाँ पे दो नंबर लिखा है, यहाँ पे तीन नंबर लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है। फ्रेंड जो हमारा नॉर्मल रोटरी स्विच होता है उस पर जो नंबर लिखा होता है वही नंबर इस रोटरी स्विच पे भी लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो हमारा रोटरी स्विच है ये नॉर्मल रोटरी स्विच से अलग है, ये हमारा मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखिए जो हमारा ये नॉर्मल रोटरी स्विच होता है और ये हमारा जो मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच होता है, ये दोनों को देखने से आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, दोनों हमारा सेम ही दिखता है। तो फ्रेंड्स आपको जब भी मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच किसी दुकान से या कहीं से आपको खरीदना है तो वहां पर आपको जरूर बोलना है कि हमको मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल रोटरी स्विच खरीदेंगे तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा, जो आपका ये वाटर पंप और स्विंग मोटर होगा ये अलग अलग ही चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये दोनों रोटरी स्विच में अंतर होता है, ये ऊपर से देखने से एक जैसे दिखता है लेकिन फ्रेंड्स इसका अंदर अलग अलग सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मल्टीफंक्शन रोटरी स्विच ही खरीदना है, तब जाके क्या होगा आपका ये दोनों मोटर एक साथ भी चलेगा और अलग अलग भी चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका हम कनेक्शन कर ले रहे हैं, उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये रोटरी स्विच का तीन पॉइंट है, इसमें फ्रेंड जो आपका एल वाला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपका सप्लाई का वायर रहेगा उसका एक वायर को लेना है और लेने के बाद जो आपका इस रोटरी स्विच का एल वाला पॉइंट रहेगा इस पॉइंट में यहां पे जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए, अब यहां पे तीन नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे दो नंबर का पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपको पहले वाटर पंप चलाना है या स्विंग मोटर चलाना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपको फर्स्ट में चलाना है उसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका ये दो नंबर का टर्मिनल रहेगा इसके साथ कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये स्विंग मोटर का एक वायर रहेगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर लेंगे। देखिए जो हमारा ये तीन नंबर का टर्मिनल है इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाटर पंप का एक वायर है इसको क्या करेंगे, हम तीन नंबर वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, रोटरी स्विच के तीनों पॉइंट में एक एक वायर का कनेक्शन कर लिया है। अब फ्रेंड देखिए हमारे पास एक सप्लाई का वायर बच जा रहा है, एक वाटर पंप का वायर बच जा रहा है और एक हमारा स्विंग मोटर का वायर बच जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इन तीनों वायर को एक साथ लेना है और लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसको अच्छा से ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये ज्वाइंट रहेगा इस पर अच्छा से ब्लैक टेप लगा लेना है, नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा आपका जो कूलर होगा उस कूलर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा वाटर पंप और स्विंग मोटर का जो भी वायर था हमने सारे वायर का कनेक्शन कर लिया है। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको कनेक्शन बता देता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमने क्या किया है, जो हमारा सप्लाई का एक वायर है इसको हमने क्या किया है, रोटरी स्विच के एल वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिया है। वही फ्रेंड देखिए जो इस रोटरी स्विच का दो नंबर वाला टर्मिनल है इसमें फ्रेंड्स हमने क्या किया है, स्विंग मोटर का एक वायर जोड़ दिया है। वही फ्रेंड जो इस रोटरी स्विच का तीन नंबर वाला टर्मिनल है इसमें फ्रेंड्स हमने क्या किया है, जो हमारा ये वाटर पंप का एक वायर है इसको हमने तीन नंबर के टर्मिनल में जोड़ा है। वही फ्रेंड देखिए जो हमारा सप्लाई का एक वायर है, वाटर पंप का एक वायर है और जो स्विंग मोटर का एक वायर है, इन तीनों वायर को आपस में जोड़ के हम यहां पे टेप को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसे चालू करके दिखाता हूं कि जो हमने ये कनेक्शन किया है इससे हमारा ये दोनों मोटर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने इस मोटर का सप्लाई चालू करेंगे। सप्लाई चालू करने के बाद फ्रेंड देखिए रोटरी स्विच को हम एक बार घुमाएंगे। फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं हमारा स्विंग मोटर चालू हो गया है।
वही फ्रेंड देखिए, जब रोटी स्विच को हम दोबारा घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वाटर पंप और स्विंग मोटर दोनों एक साथ चल रहा है। वही फ्रेंड देखिए, जब रोटी स्विच को फिर से हम घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्विंग मोटर ऑफ हो गया है, केवल वाटर पंप चल रहा है। और फिर जब हम रोटी स्विच को घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा वाटर पंप ऑफ हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको किसी भी कूलर के अंदर मल्टी फंक्शन रोटरी स्विच में वाटर पंप और स्विंग मोटर का कनेक्शन कर लेना है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस कनेक्शन को कहीं पे नहीं समझ पाए या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।